नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूं लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है लार्सन एंड टूब्रो पे। तो मैंने दो वीडियो जो पिछले बनाए उसमें भी मैंने बोला है कि आपको बाइंग करनी है और अभी भी बोलूंगा कि आपको इसमें बाइंग करनी है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो लगभग चल रहा है 1284.55 के आसपास। तो अभी मैं ये पुराना चार्ट देख रहा हूँ दिसंबर 4 का। तो इसके देखने का कारण यह है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कल जो न्यूज आई थी उसके बाद क्या डिलीवरी उठाई गई है इस लार्सन एंड टूब्रो में। तो चार्ट आप देख सकते हो 1310.15 पे ओपनिंग होती है, उसके बाद आप देख सकते हो गिरावट है, शार्प गिरावट है, कोई भी रिस्पांस नहीं है, कोई भी रिकवरी नहीं है और जो क्लोजिंग होती है वो होती है 1284.70 पे। गिरावट आप देख सकते हो 2.18% की गिरावट है, 28.65 रुपए डाउन है। अगर मैं बात करूं एक मंथ की तो लगभग 11% की गिरावट है। निफ्टी जहां ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो ये स्टॉक वहां पे गिरावट में है। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो अगर 2-3 महीने में 15-20% करेक्शन कर दे तो बहुत बड़ी करेक्शन होती है। आपको डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने मेरे पिछली दो वीडियो देखे होंगे तो मैंने एक ही बात बोली होगी कि आपको ऐसे स्टॉक को हाथ से नहीं जाने देना है। आहिस्ता आहिस्ता निवेश करिए बट ऐसे स्टॉक को हाथ से जाने मत दीजिए। तो चलिए अभी इसका ट्रेड देखते हैं जो मेन चीज दिखाना चाहता था, उसके बाद मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा जो आई है, इनको जो ऑर्डर मिला है। तो चलिए ट्रेड देखते हैं। तो दोस्तों, मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 1313.20 ओपनिंग होती है 1310 पे, हाई बनाता है 1312 का, लो बनाता है 1282.15 का। उसके बाद ट्रेडेड वॉल्यूम देखना बहुत ही जरूरी है, क्या कमाल की वॉल्यूम है। आप देख सकते हो 1,01,09,500 ट्रेडेड वॉल्यूम है। उसके बाद जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो आप देख सकते हो 71.57% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर मैं बात करूं डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो आप देख सकते हो 61,75,270 शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी पे उठाए गए हैं। तो कमाल की डिलीवरी उठाई जा रही है, आपको डेफिनेटली इसमें निवेश करना चाहिए। तो यही चीज था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं न्यूज की, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं न्यूज पे आ चुका हूं, तो आप न्यूज देख सकते हो। इंजीनियरिंग मेजर लार्सन एंड टूब्रो ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज बैग्ड वेरियस ऑर्डर्स अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस सेगमेंट इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हो वेडनेसडे को बीएसई को बताया है लार्सन एंड टूब्रो ने कि उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो द कंस्ट्रक्शन आर्म ऑफ लार्सन एंड टूब्रो हैज सिक्योर्ड ऑर्डर फ्रॉम सीलेंट्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स फॉर इट्स बैरेट बिजनेसेस, द कंपनी सेड इन अ फाइलिंग टू द बीएसई। तो ये बीएसई को इन्होंने बताया है कि इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लार्सन एंड टूब्रो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हैज बैग्ड वेरियस ऑर्डर्स इंडिया एंड ओवरसीज। तो इनका जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उनको डोमेस्टिक और ओवरसीज बिजनेस मिले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन महाराष्ट्र एंड इंप्लीमेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू प्रोवाइड ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम विद स्टैंड लोन लाइटिंग सिस्टम फॉर फार्मर्स इन औरंगाबाद नासिक एंड पुणे रेवेन्यू डिवीजन, द कंपनी सेड। तो दोस्तों, कंपनी का कहना है कि उन्हें इंप्लीमेंट और रेट कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड मिला है, उनका जो काम है वो करना है प्रोवाइड ऑफ ग्रिड डीसी सोलार फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम्स हैं, स्टैंड लोन लाइटिंग सिस्टम है फार्मर्स के लिए और ये लगेंगे औरंगाबाद नासिक और पुणे रेवेन्यू डिवीजन में। तो आगे देखते हैं। This system will have provision for mobile charging, transfer of automated meter reading and water discharge reading data. तो दोस्तों, आप देख सकते हो इनका जो पूरा सिस्टम होगा वो इसके बेस पे होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इनको UAE से भी ऑर्डर मिला है। In the UAE, the company secured an order for design, supply and construction of substation project with associated cabling works from one of the government utilities. तो दोस्तों, इनको UAE से भी ऑर्डर मिला है जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। Additional order have been won in
ongoing projects in the Middle East, the company said. तो दोस्तों इन्हें Middle East से भी order मिले हैं, तो आगे देखते हैं. Larsen and Toubro said it has also secured a major add-on order from an existing silent in Qatar for an express way. तो दोस्तों इन्हें Qatar से भी order मिला है express way के लिए. तो दोस्तों मैंने आपको न्यूज़ बता दी है, तो ऐसे स्टॉक को आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए. एक बात बोलूँगा और हर हमेशा बोलता हूँ कि आपको नहीं पता ये स्टॉक कहाँ पे करेक्शन करेगा, तो ऐसे स्टॉक को हाथ से मत जाने दीजिए. यहाँ पे ये अभी चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया प्राइस है, अगर और गिरता है तो आपको डेफिनेटली और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए. तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको. अगर ये बॉटम आउट अभी 1284 के आसपास कर गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि और ज़्यादा सस्ता मिलिया जो है वो कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, इनके लेवल में कोई भी और कोई कंपनी नहीं है. तो आपको डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए. एक और चीज़ बोलूँगा, आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे बॉटम आउट करेगा, उसके बाद मैं बात करूंगा निफ्टी 50 की. तो निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि अभी ये यहाँ से पिट जाएगा, 10,000 चला जाएगा, 15,000 से कोई बोल रहा है 15,000 भी जा सकता है, कोई बोल रहा है 13,000 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, 15,000 तो जाएगा ही जाएगा. बट फिलहाल अभी जो ज़्यादा रूमर्स हैं वो रूमर्स हैं 10,000 के. तो उसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, GDP जो डाटा आया वो आया है 4.5 का. तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो डर रहे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जिस दिन ये डाटा आया उसके दूसरे दिन आप देख सकते हो कितनी गिरावट आई थी, लगभग 7 पॉइंट्स की गिरावट आई थी. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जो है वो आगे का देखता है. आप सोचते हो कि क्या मार्केट को नहीं पता था कि GDP रेट ऐसा आएगा, उसको डेफिनेटली पता था, आपको हो सकता है ना पता हो. तो इसलिए मत डरा करिए. अगर आप मार्केट में रहते हो तो अगर आप 100-200 पॉइंट की करेक्शन तो आ ही जाती है, बट अगर आप जिस तरह मार्केट पहले गिरा था 10,700 के आसपास गया था, अगर आप ऐसे फॉल नहीं दे सकते तो मार्केट में रहना का कोई फायदा नहीं, आप मार्केट छोड़ दीजिए. क्योंकि ऐसे मार्केट में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है, तो डरने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर मार्केट ज़्यादा गिरती है तो अच्छी बात है ना, डरने की क्या ज़रूरत है यार. जो चीज़ आपको 1,000 रुपये की मिल रही है वही आपको 500 रुपये की मिलेगी, और क्या चाहिए यार. और जब बढ़ता है तो आप खरीदना शुरू कर देते हो, और जब गिरता है तो बेचना शुरू कर देते हो. अगर आपने कंपनी अच्छी ली है तो डरने की क्या जरूरत है. 5-5 रुपए का स्टॉक लेते हो फिर बोलते हो यार ये बढ़ेगा नहीं करेगा क्या ये वो. अगर आपने अच्छी कंपनी ली है Larsen & Toubro जैसी, रिलायंस जैसी, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है यार. क्यों डरते हो, ऐसे ही रूमर्स फैलाते हो, दिमाग खराब करते हो अपना. रूमर्स में मत ध्यान दीजिए करिए, अपना मजा कीजिए. अगर गिरता है तो अच्छी खुशी मनाइए, ना कि आपको सस्ता मिलेगा. डरना डरिए मत, बस एक बात याद रखिए, डरना नहीं है. अगर डरोगे तो अपना ही नुकसान करके बैठ जाओगे. वो चीज़ आपको दो चार दिन करेक्शन दिखाएगी और उसके बाद आपके आंखों के सामने ही बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर आप पछताना शुरू कर दोगे यार. एक डिसिप्लिन बना के रखिए कि आपको इस स्टॉक में इतना देर रहना तो इतने देर ही रहना है. जिस तरह मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, मेरे सामने वो जितना मर्जी बढ़ जाए मैं कभी भी उसको नहीं बेचता. अगर मेरे को लगता है ये मैंने 1 साल होल्ड करना है तो करना है, अगर हाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो अलग बात है. तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें.